दर्शक आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार रैपिड हेडलाइंस। नदी पर कब्जा कर अवैध निर्माण पर प्रशासन ने लगाई रोक, इलाके में 144 धारा लागू। नदी पर कब्जा कर अवैध निर्माण कार्य चल रहा था, स्थानीय लोगों की शिकायत पर प्रशासन ने काम रोककर धारा 144 जारी कर दी है। घटना उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर थाना के पांजीपाड़ा इलाके में हुई। मालूम हो कि ग्वालपोखर के पांजीपाड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के किनारे सुधा नदी है। उस नदी के तट पर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य चल रहा था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ बेईमान लोग नदी पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कार्य कर रहे हैं। यदि ये नदी अवरुद्ध हो गई तो गांव में बाढ़ आ जाएगी। इसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने प्रशासन से कर दी। शुक्रवार दोपहर ग्वालपोखर BLRO खुशबू लामा और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने काम बंद कर दिया और इलाके में धारा 144 जारी कर दी। लॉरी और एम्बुलेंस की टक्कर में एक मरीज की मौत। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर के श्री कृष्णापुर बाईपास पर लॉरी और एम्बुलेंस की टक्कर में एक मरीज की मौत हो गई। हादसे में कई लोग घायल हो गए। घायलों को तत्काल इलाज के लिए इस्लामपुर महकमा अस्पताल ले जाया गया। मृत मरीज का नाम अब्दुल जलील है। घटना के बाद सड़क पर काफी देर तक यातायात बाधित रहा। गैस कटर से ATM कार्ड का लाखों रुपए की लूट। सिलगुड़ी के निकट रंगापाड़ा में गैस कटर से ATM कार्ड का लाखों रुपए की लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सिलगुड़ी में ATM वार्ड को गैस कटर से काट कर बदमाश पैसा लेकर फरार हो गया। रंगापानी सुपरमार्केट के पास ATM में हुई इस घटना के बाद इलाके के लोग हैरान हैं। अनियंत्रित होकर पलट गया ट्रक, पुलिस की पहर पर ड्राइवर व खलासी की बची जान। फांसी देवा मुख्य सड़क पर 12 पहिया लॉरी अनियंत्रित होकर पलट जाने से शनिवार सुबह इलाके में हलचल मच गई। घटना फांसी देवा ब्लॉक के जलास निदम तारा ग्राम पंचायत के कसीराम जोत पहाड़ हाउस के पास हुआ। घटना के बाद आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े और पुलिस को सूचना दी गई। गाड़ी का ड्राइवर व खलासी गाड़ी के अंदर ही फंस गए। तुरंत फांसी देवा थाने की पुलिस आई और ड्राइवर व खलासी को बचाया गया। उन्हें फांसी देवा ग्रामीण अस्पताल भेजा गया। फांसी देवा ग्रामीण अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि वो स्वस्थ है। प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। सिलगुड़ी में बहुमंजिला इमारत में आग लगने से हड़कंप। सिलगुड़ी नगर निगम के 27 नंबर वार्ड स्थित देश बंधु स्पोर्टिंग क्लब से सटे एक बहुमंजिला इमारत में कल देर रात आग लगने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गई है। बहुमंजिला इमारत में एक चिमनी से धुआं निकलते देख स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मौके पर पहुंची सिलगुड़ी थाने की पुलिस और दमकल कर्मी विभाग के अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी। आग लगी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। नौकरी और अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले एक आरोपी को दमदम पुलिस ने सिलगुड़ी से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को शुक्रवार की रात आसीघर चौकी पुलिस की मदद से घोघोमाली इलाके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम सत्यनारायण बैनर्जी है, वो लखनऊ का रहने वाला है। मालूम हो कि आरोपी ने 2022 में दमदम में ऑफिस खोला था। उसने चार छात्रों को मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने का वादा किया और करीब 26 लाख रुपए ले लिए। इसके बाद वो वहां से भाग गया। दमदम थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। इसी बीच सत्यनारायण बैनर्जी सिलीगुड़ी आए और रोजगार दिलाने के नाम पर एक कार्यालय खोला। उन्होंने अखबार में इसका विज्ञापन भी दिया। इस विज्ञापन के स्रोत के आधार पर दमदम पुलिस ने सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस से संपर्क किया। आरोपी को शुक्रवार को सिलीगुड़ी से गिरफ्तार किया गया। पुलिस आरोपी को शनिवार को जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर लेगी। डेंगू की समस्या से निपटने के लिए राजगंज ब्लॉक के नालियों में लगभग 12,000 गप्पी मछलियां छोड़ी गई। डेंगू के बढ़ते समस्या से निपटने के लिए प्रशासन तत्पर है। फुलबाड़ी नंबर 2 ग्राम पंचायत के पश्चिम धनतला, पूर्वी धनतला, राजीव नगर, ममतापाड़ा समेत विभिन्न इलाकों में नालों व छोटे छोटे जल स्रोतों में शुक्रवार को गप्पी मछली छोड़ी गई। फुलबाड़ी क्षेत्र के निवर्तमान प्रधान दिलीप राय ने विभिन्न नालों में गप्पी मछलियां छोड़ी। जानकारी मिली है कि लगभग 12,000 मछलियां छोड़ी जाएगी। फुलबाड़ी क्षेत्र के निवर्तमान प्रधान दिलीप राय ने कहा कि डेंगू के प्रकोप को कम करने के लिए फुलबाड़ी नंबर 2 ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर गप्पी मछलियां छोड़ी जा रही है। राजगंज के वीडियो कार्यालय से लगभग 12,000 मछलियां लाई गई है। मछलियां छोड़ने के साथ ही इलाके के लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। AIUTUC द्वारा आहूत 9 अगस्त की रैली के समर्थन में निकला जुलूस। मजदूरों के वेतन में बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर नया बाजार AIUTUC संगठन ने 9 अगस्त को सिलीगुड़ी में जन रैली का आह्वान किया है। उस महाजुलूस के समर्थन में शनिवार को नया बाजार इलाके में जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में नया बाजार के सभी कार्यकर्ता और AIUTUC के नेता मौजूद थे।
जुलूस बाजार के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करता है और सभी से भव्य जुलूस में भाग लेने का अनुरोध किया जाता है। टूटी सड़कें, कूड़ा निस्तारण समेत विभिन्न समस्याओं को लेकर टॉप टू मेयर में की गई शिकायत। सिलीगुड़ी नगर निगम के मुख्य कार्यालय में टॉप टू मेयर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टूटी सड़कें, कूड़ा निस्तारण समेत विभिन्न समस्याओं को लेकर रहवासियों ने मेयर से फोन पर शिकायत की। ये कार्यक्रम शनिवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक सिलीगुड़ी नगर निगम के मुख्य कार्यालय में आयोजित किया गया। कई निवासियों ने खराब सड़कों के बारे में शिकायत की। मेयर गौतम देव ने उनकी समस्याओं का दस्तावेजीकरण कर समाधान करने का आश्वासन दिया।